असाइनमेंट टू पॉइंट थ्री टू फोर्सेज ऑफ ट्वेंटी न्यूटन एंड टेन न्यूटन आर मेकिंग एन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री भी दीजिए फाइंड अ सिंगल पुल यानी कि रिजल्टेंट दैट वुड रिप्लेस द गिवन फोर्सेज सिस्टम यानी इन दोनों को हटा के सिंपल एक हमारे पास वैक्टर या रिजल्टेंट फोर्स कौन सी आ जाती है और पार्ट बी है बैलेंस द गि फोर्सेज सिस्टम जब वो रिजल्टेंट आ जाए तो हम लोग ने क्या करना है उसको बैलेंस आउट करना है ताकि इन दोनों फोर्सेज का नेट इफेक्ट खत्म हो सके सोल्यूशन की तरफ बढ़े पहले गिवन देखते हैं फोर्स वन हमारे पास क्या है ट्वेंटी न्यूटन उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी हुई तो हम लोग पहली डायरेक्शन खुद अपनी ईस्ट के लिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेते हैं यानी कि थीटा वन जीरो डिग्री हो जाए फोर्स टू उन्होंने दी भी है टेन न्यूटन और उसका एंगल क्या दिया हुआ है थीटा टू इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री एन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री टू फोर्सेज of 20 and 10 आर मेकिंग एन एंगल ऑफ of 120 डिग्री विद each अदर इसलिए हम लोग पहले जो फोर्स है उसके साथ हम लोग करते हैं इसका यानी कि विद एफ वन इसका 120 डिग्री है और चूँकि हम लोगों ने विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस ली थी पहली फोर्स लिया था ये भी कह सकते हैं विद एफ वन एंड विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस रिजल्टेंट फोर्स हमने मालूम करनी है और उसका छीटा आर और बैलेंसिंग फोर्स मालूम करनी है और उसका थीटा बी सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने एक स्केल सेलेक्ट करना होता है हमारे पास दो फोर्सेज हैं तो हम लोग कोई सिंपल सा स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं इन्हीं को देखते हुए 20 न्यूटन है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर से और 10 न्यूटन है तो वो इसका हाफ होगा तो 3 सेंटीमीटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हम लोगों ने कार्टीजियन प्लेन बनाया इसके ऊपर हम लोगों ने डी रखी और सबसे पहले हम लोगों ने ट्वेंटी न्यूटन की फोर्स जीरो डिग्री एंगल पर बनानी है यानी इस डायरेक्शन में ट्वेंटी न्यूटन की फोर्स बनानी है और ट्वेंटी 6 सिक्स से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारा आ गया वेक्टर एफ वन या फोर्स एफ वन और दूसरा हम लोगों ने बनाना है टेन न्यूटन या थ्री सेंटीमीटर की फोर्स अलोंग वन ट्वेंटी डिग्री इस डायरेक्शन में तो ये हमारी दूसरी फोर्स आ गई अब हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं रिप्लेस द गिवन फोर्सेज सिस्टम यानी रिजल्टेंट मालूम करना है और रिज़ल्टेंट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई यानी जो रिजल्टेंट होगा उसके भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और उसको इस तरह यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला यूज़ होता है वो ये उसका मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए होता है कि स्क्रस का स्क्वेयर प्लस आर वाई का स्क्र और उसका फिर स्क्वेयर रूट ले लिया जाए अब ये आर एक्स कहाँ से आएगा आर एक्स आएगा एफ़ वन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस एफ टू के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करके इसी तरह ये आर वाई कैसे आएगा ये एफ वन के वर्टिकल कंपोनेंट्स को और एफ़ टू के वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करके सिंपल एज दैट तो आए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले हम फोर्सेस के जो है लिख लेते हैं यहाँ पे इनके साथ एफ़ वन और एफ टू ट्वेंटी न्यूटन और टेन न्यूटन रिस्पेक्टिवली सबसे पहले हम लोग एफ वन का एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाद में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे और फिर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आर एक्स तो एफ वन एफ एफ वन एक्स इक्वल टू एफ वन कॉस्टिटा वन तो कॉस थीटा कितना है यहाँ पे यहाँ पे तो जीरो डिग्री का एंगल है तो ट्वेंटी कॉस ऑफ जीरो डिग्री और कॉस ऑफ जीरो कितना होता है वन तो ट्वेंटी इंटू वन और ये आ जाता है ट्वेंटी तो आप देखें एफ वन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ट्वेंटी न्यूटन है एफ वन बताते खुद कितना है ट्वेंटी न्यूटन तो यहीं से पता लग गया कि वर्टिकल कंपोनेंट तो इसका ज़ीरो ही होगा लेकिन वो अभी हम लोग नहीं देखते हैं हम पहले एफ़ टू का हॉर्डोटल कंपोनेंट देख लेते हैं एफ टू टेन न्यूटन है और इसका एंगल कितना था वन ट्वेंटी डिग्री तो एफ़ टू एक्स इज इक्व टू एफ टू कॉस सीटा टू और एफ टू टेन इंटू कॉस ऑफ वन ट्वेंटी ये वाला वन ट्वेंटी और कॉस ऑफ वन ट्वेंटी कितना होता है माइनस पॉइंट फाइव तो एफ़ टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन वर्टी प्लाई माइनस पॉइंट फाइव इक्वल टू माइनस फाइव न्यूटन ठीक है और आर एक्स जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अब वो ऐड कर लेते हैं हम लोग ट्वेंटी प्लस फाइव की जगह ये माइनस फाइव है ज़्यादा माइनस फाइव तो आर एक्स की वैल्यू आ गई फिफ्टीन न्यूटन अब आ जाते हैं हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट्स की तरफ तो एफ़ वन का वर्टिकल कंपोनेंट तो वैसे ही हम डिस्कस कर चुके थे कि जीरो होगा क्योंकि है ही नहीं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ट्वेंटी साइन थीटा ट्वेंटी साइन ऑफ़ जीरो डिग्री साइन ऑफ जीरो ज़ीरो होता है तो ट्वेंटी इंटू ज़ीरो ज़ीरो तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका जीरो है। तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट वो कितना होगा एफ़ टू आई इक्वल टू एफ टू साइन थीटा टू थीटा टू कितना था वन ट्वेंटी डिग्री टेन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ वन ट्वेंटी साइन वन ट्वेंटी होता है पॉइंट एट सिक्स सिक्स तो एफ़ टू वाई हो गया एट पॉइंट सिक्स सिक्स न्यूटन अब, ry ry y, तो ry अब आर वाई कैलकुलेट करना है आर वाई इक्वल टू एफ वन वाई प्लस एफ टू जीरो प्लस एट पॉइंट सिक्स सिक्स तो आर वाई की वैल्यू आ गई एट पॉइंट सिक्स सिक्स न्यूटन अब हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई हैं अब हम इनकी मदद से इस इक्वेशन के अंदर फिल इन करेंगे और हमारे पास आ जाएगी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस 8.66 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये स्क्वेयर रूट है आपने कंसिडर करना है पूरा ही है क्योंकि कंप्यूटर इतना ही शो कर रहा होता है अब इसको सॉल्व करेंगे फिफ्टीन का स्क्वायर टू ट्वेंटी का स्क्वायर सेवेंटी और इन दोनों को ऐड किया तो थ्री का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वक्टर आ जाएगा सेवनटीन न्यूटन लेकिन अभी हमें डायरेक्शन तो पता नहीं है कि यहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस हेड टू टेल रूट की तरफ uh, जाएंगे अगर ना भी जाते हैं तो हम लोग मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपको याद करा दूँ ये भी एक प्रोसीजर होता है कि हेड टू टेल रूल कि अगर आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहले के हेड के ऊपर दूसरे की टेल लगाएंगे और ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा ठीक है तो आर इज सेवेंटीन पॉइंट थ्री टू नीटर इसका एंगल मैयर करना है मैथमेटिकली मैयर कर लें थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स आर वाई और आई आर एक्स यानी कि इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स उसका टेंजेंट इनवर्स ले लेते होते हैं क्यों क्योंकि टेंजेंट सीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ठीक है याद है आपको सम पीपल सम्पी कली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग सो टेंजेंट सीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स और थीटा निकालना होगा तो टेंज एंड इनवर्स ऑफ आर वाई और एक्स आर एक्स तो आर वाई की वैल्यू 8.66 और आर एक्स की वैल्यू 15 न्यूटन हम लोग डाल देंगे और इससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टेंज एंड इनवर्स पॉइंट फाइव सेवन सेवन तो थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ये थीटा जो आ गया रिजल्टेंट वैक्टर का ये है थर्टी डिग्री तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है अब हम लोगों ने जाना है अपने सेकेंड पार्ट पे बैलेंस द गिवन फोर्सेज सिस्टम इसके अंदर क्या करेंगे सबसे पहले बैलेंसिंग फोर्स बी वो कितनी होगी जाहिर है अगर इन दोनों को हटा दिए सिर्फ यही एक फोर्स रह गई है रिजल्टेंट तो इसकी बैलेंसिंग फोर्स बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी और उसकी भी वैल्यू होगी सेवनटीन पॉइंट थ्री टू न्यूटन तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी और फिर ना इस तरफ खींच पाएगी ना इस तरफ खींच पाएगी अब इसका एंगल मेजर करना है विद एक्स एक्सेस यानी कि ये एंगल कितना है तो थर्ड क्वारंट में आप ये देख सकते हैं ठीक है और थर्ड क्वारंट के अंदर है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा बी इक्वल टू वन एटी प्लस जो थीटा होता है ठीक है थीटा बी ई इक्वल टू वन एटी प्लस ये वाला थीटा तो ये थीटा हम पहले ही निकाल चुके थे थर्टी डिग्री और थीटा बी की वैल्यू आ गई टू टेन डिग्री टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री तो ये दोनों वैल्यूज़ भी आ गई रिजल्टेंट फोर्स का जो बैलेंसिंग फोर्स है बी वो कितने न्यूटन है सेवनटीन पॉइंट थ्री टू न्यूटन और उसका एंगल कितना है थीटा बी टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री